अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता पितामह कहे जाने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जिसे अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। आज उनके सपने को साकार करने के लिए अयोध्या में हो रहे भव्य निर्माण को लेकर किया जा रहा धन संग्रह के संबंध में मध्य बस्ती की बैठक में राम भवन में की गई, जिसमें बोलते हुए पूर्व चेयरमैन भगवत प्रसाद रोहेला ने कहा कि कोसी नगरवासी राम मंदिर निर्माण में सबसे अधिक सहभागिता दिखाएं और अपने इष्ट देव श्री राम भवन को बनने में दान देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वहीं आरएसएस के अनिल कुमार ने अपने विचार रखते हुए कहा कि एक विशाल बाइक रैली जन चेतना के रूप में निकाली जाएगी, जिस पर सभी ने अपनी सहमति दर्ज कराई। कोसी जिला प्रमुख राकेश कुमार ने कहा कि 1528 से ताले के अंदर हमने जिसके दर्शन किए हैं, आज हम सब देशवासी उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। 400 साल बाद हमारा सपना साकार हो रहा है। 10 तारीख को ब्राह्मण धर्मशाला थाना रोड से शुरू होने वाली बाइक रैली में अपने इष्ट मित्रों सहित रैली में सम्मिलित होने की अपील की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता दीपक बड़गुजर खटीक को रैली की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में अशोक जैन, राजेंद्र रोहेला, अवधेश गुप्ता, कल्पेश जैन, मोहन दत्त, अनिल कुमार, दीपक अरोरा, मनीष कुमार, अशोक सोनी आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। आगामी क्या प्रोग्राम आप करेंगे? देखिए, श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए आज हमने जो मीटिंग की है, जो राम चौपाल लगाई है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का बहुत ही ऊंचा मन है, उनका उज्जवल मन है कि हम श्री राम जी के लिए जितना भी अपने शरीर से समर्पण कर सके और समर्पण निधि के लिए जितना भी जन जागरण हम कर सकें, हमारे द्वारा जितना भी समय राम जन्मभूमि के लग सके, जितने भी हमारे प्रयास होंगे, क्योंकि प्रत्येक हिंदू चाहता है कि मेरा भी योगदान राम मंदिर में हो, इसलिए ये रैली जो 10 तारीख को निकलेगी 12 बजे, उसके लिए भी जन जागरण किया जाएगा और हमारा प्रत्येक युवा, क्योंकि जिस समय लक्ष्मण जी की भाव फड़कती थी, राम जी शांत करने के लिए उनसे कहते थे, इसी प्रकार आज हमारे प्रत्येक लक्ष्मण की उनकी भाव फड़क रही है अपने राम मंदिर निर्माण के लिए और राम मंदिर के जन जागरण के लिए। हमारा ऐसा भव्य मंदिर होगा, जिन्होंने अपने बलिदान दिए है वो तो इस निर्माण को नहीं देख पाए, परंतु हम अपनी आंखों से इस निर्माण को देखकर, इस मंदिर के दर्शन करकर अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि हमने इस मंदिर के निर्माण के लिए कितने कुर्बानियाँ दी, कितने कष्ट है, उसके बाद आज हम श्री राम के मंदिर को बनते हुए देखकर और उनका पूर्ण निर्माण होने पर हम विशेष उत्साहित होंगे, इसीलिए आज हम